नमस्ते फ्रेंड्स, हर महादेव जी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको चटपटी तीखी मसालेदार जैसे पंजाबी स्टाइल की जो कढ़ी होती है तो वो बना के दिखाने वाली हूँ। पकोड़े को तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही आसान से टूट रहा है, सॉफ्ट है काफी। चलो शुरू करते हैं कढ़ी बनाने। तो एक ये डब्बा ले लो बड़ा, और एक ये दही ले लो इसको पिलोने के लिए, दही को। और ये मैंने बेसन लिया है, पहले बेसन घोल के रखूंगी जो पकोड़े के लिए थोड़ा सा रेस्ट करना होता है बेसन को, तो इसलिए थोड़ा पहले घोल के रखूंगी मैं। ये एक कप बेसन है और ये आधा कप, और डेढ़ कप बेसन है ये, आधा कप मैंने जो कढ़ी में बेसन घोलेंगे उसके लिए रख लिया है। इसमें पकोड़े में थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि फीके पकोड़े अच्छे नहीं लगते, थोड़ा सा नमकीन पकोड़े होते हैं तो अच्छे लगते हैं। और थोड़ा सा ये हींग डालेंगे, आधी छोटी चम्मच, और आप चाहें तो चम्मच से मिला के मिला सकते हैं इसको, पर मैं हाथ से मिलाना ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि मेरे को हाथ से अंदाजा है, बचपन से मैं हाथ से मिलाती आई हूँ, मेरे को अंदाजा नहीं है चम्मच से मिलाने का ज़्यादा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा जो होता है या बेकिंग पाउडर वो भी डाल सकते हैं, तो पर पकौड़े उससे बहुत ज़्यादा फूले फूले बन जाते हैं, तो वैसे इसकी कोई जरूरत होती नहीं है अगर हम इसको रेस्ट करवाएंगे आटे में सो बेसन को, तो वैसे पकोड़े अच्छे बनते हैं सॉफ्ट और थोड़े से बड़े बड़े साइज में। पर अगर आप ही और ज़्यादा बड़े साइज में चाहते हो पकोड़े बने तो थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं, आधी चम्मच से भी कम। तो इसका जो पकोड़े का बैटर है वो हमको ऐसा चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो। ये बैटर बनके तैयार है, अब मैं इसको 15-20 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ूंगी, तब तक हम कढ़ी बनाते हैं। तो ये 1 किलो दही है, खट्टा दही। तो आप चाहें तो इसको मिक्सी का जो जार होता है उसमें डाल के भी भिगो सकते हैं, पर मैं दही से भिगोऊंगी। 1 किलो खट्टा दही था ये, और अब इसमें पानी डालती हूँ। तो छलनी रख के पतीले में इसे छान लेंगे। ये पूरा मैंने 1 लीटर पानी मिला दिया इसमें, और जो ये बेसन है आधा कप ये डालेंगे, 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच और 1.5 चम्मच तक डाल। हल्दी इसमें डालनी है पर थोड़ी सी कम डालनी है, नहीं तो डार्क कलर हो जाता है। तो अब इसको कढ़ी को छोंकने की बारी है। गैस का फ्लेम ऑन कर लिया। ये 4 चम्मच भर भर के मैंने तेल डाला है क्योंकि ये आज हमको प्याज वगैरह तलनी है, इसको फ्राई करना है, तो थोड़ा सा ज्यादा तेल लगता है इसमें। तेल गर्म हो गया है तो अब मैं तेज पत्ता डाल रही हूँ, अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन क्योंकि कढ़ी वगैरह बाधी करती है तो बाधी नहीं करेगी किसी को भी, और पेट वगैरह में दर्द नहीं होता इससे, और हाथ में भी अच्छा होता है। और 1 छोटी चम्मच राई डाल दें, इससे कढ़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है राई डालने। और ये 2 छोटी प्याज हैं, काट के ले लिए मैंने, चाहे तो चॉप भी कर सकते हैं आप इनको, चाहे तो काट के ले सकते हैं। आधी छोटी चम्मच हींग डाल दी फिर से क्योंकि हींग अच्छा होता है हाजमे के लिए। चार छोटी छोटी मिर्च है ये सूखी वाली, और 1 चम्मच करी पत्ता है। इसको चलाते रहना जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, अगर हम छोड़ देंगे तो थोड़ी सी खट्टी खट्टी हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप लहसुन वगैरह खाते हो तो इसमें कच्चा भी कूट के डाल सकते हैं, बहुत टेस्ट आता है उससे भी। हरियाणा राजस्थान वाले ज़्यादातर खाटे के साग में और इसमें कढ़ी में कच्चा लहसुन कूट के डालते हैं, और बहुत ही टेस्टी ये बनती है, कढ़ी बनती है और खाटे का साग बनता है। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो फ्रेंड्स, तो आप इसमें जब मैंने जैसे तड़का लगाया तो इसमें 4 जो मिर्च साबुत होती है, वो हरी वाली मिर्च साबुत होती हैं, वो भी डाल सकते हैं अगर ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो। पर हम थोड़ा कम खाते तो मैंने ये सूखी वाली डाली है 4 छोटी,
और वो हरी वाली डाली, कढ़ी में उबाल आ गया, फटेगी नहीं। तो अब आराम थोड़ी देर पक सकते हैं, तकरीबन 8-10 मिनट पकाना है। कढ़ी को इस वाली गैस पर रखूंगी और इस पर तेल गर्म करेंगे पकौड़े के लिए। कभी फ्रेंड्स अगर कढ़ी बहुत ज्यादा खट्टी हो जाए, खाने लायक ना हो, तो फिर उसमें क्या करना चाहिए कि कढ़ी तो बन चुकी, अब उसमें ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा पानी लेके 1 कप या 1.5 कप उसमें थोड़ा सा बेसन घोल के और उसको एक बार गर्म कर लें, उबाल लें और फिर उसको कढ़ी में मिला दें, तो कढ़ी का खट्टापन जो होता है बिल्कुल भी खत्म हो जाता है। तो क्योंकि मेरे साथ भी अब की बार ऐसा हुआ था, गर्मियों का टाइम था तो हमने कढ़ी बनाई थी तो बहुत ज़्यादा खट्टी बन गई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर यही करना चाहिए कि मतलब पानी उबाल के थोड़ा सा और उसमें बेसन मिला के और फिर कढ़ी में मिला दें, बनी हुई कढ़ी में, तो उसका खट्टापन बिल्कुल ठीक हो जाता है, बैलेंस में, और खाने में स्वाद हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है जैसे मतलब दही खट्टा नहीं हमारा कढ़ी वाला और हम कढ़ी बना रहे हैं तो जैसे खट्टापन बिल्कुल नहीं होता, तो फिर ये करना चाहिए थोड़ा सा विनेगर 1 चम्मच कढ़ी में डाल दें बनने के बाद और उसको अच्छे से मिला दें, तो हमारे कढ़ी में खट्टापन अच्छे से आ जाता है। विनेगर डाल दें सफ़ेद वाला या सिरका, या फिर जो नींबू होता है 1 नींबू काट के उसका जूस निकाल के वो डाल दें अगर सिरका नहीं है, तो फिर कढ़ी स्वाद हो जाती है बहुत। गैस का फ्लेम कम करके अब मैं इसमें पकौड़े डाल दूँगी। चाहे तो हाथ से भी डाल सकते हैं, चाहे तो चम्मच ही डाल सकते हैं। गैस का फ्लेम तेज कर दें। पकौड़े निकाल के सीधा कढ़ी में डाल देंगे, क्योंकि हमको 5-10 मिनट पकौड़े डाल के कढ़ी को पकाना है, तो सारे जो पकौड़े मतलब जो कढ़ी है वो अंदर समा लेंगे अपने और टेस्टी हो जाएंगे। पकौड़े इसमें पकते हुए काफी देर हो गई है, तकरीबन 10-12 मिनट हो गई हैं। अब हम इसमें 1 बटर का वो लगाएंगे ऊपर से, चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, पर मैं आपको पंजाबी स्टाइल में बना के दिखा रही हूँ, चटपटी और स्वाद मतलब कि देखने में भी अच्छी, तो मैं इसलिए 1 बटर का वो लगाऊंगी इसमें लास्ट में। आप चाहें तो मतलब अब ये कढ़ी बन के तैयार हो चुकी है बिल्कुल, इसको ऐसे भी खा सकते हैं, और आपको अगर ज़्यादा देखने में अच्छी चाहिए, सुंदर चाहिए और चटपटी तीखी चाहिए, तो थोड़ा सा पंजाबी स्टाइल में तो ये पर तड़का वो लगा रहे हैं। तो मैंने 2 चम्मच तेल ले लिया इसमें तड़का पैन में, और अब मैं इसमें थोड़ा जीरा डाल दूँ, ये छोटी वाली चम्मच है 1/2 चम्मच, और ये कसूरी लाल मिर्च है जो तीखी ज़्यादा नहीं होती पर इसका कलर बहुत अच्छा आता है सब्जियों में, तो 1 चम्मच ये। हमने गैस का फ्लेम अब बंद कर दिया है और ये कढ़ी बिल्कुल तैयार हो गई बनके, पंजाबी स्टाइल कढ़ी है, बहुत ही चटपटी है, बहुत ही टेस्टी है। आप चाहें तो इसको और थिक कर सकते हैं, गाढ़ी कर सकते हैं, पर अभी जैसे जैसे ये ठंडी होगी तो और भी ज़्यादा थिक होती चली जाएगी खुद ही। मैं पकौड़े को तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही आसानी से टूट रहा है, सॉफ्ट है काफ़ी, और खाने में इसकी ये जो ग्रेवी है ये काफी अच्छी होती है, सारे पकौड़े काफी सॉफ्ट है, आराम से टूट गए। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की रेसिपी, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव जी।